आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने न्यू ब्लॉग पोस्ट को विद इन 10 सेकेंड में इंडेक्स करवा सकते हैं। एंड इस तरीके का यूज करके मैं हर एक ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाता हूं। एंड यहां पे आपके सामने एक सर्च कंसोल का स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:41 पे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाने के लिए सेंड किया था। यहाँ पे ऊपर में टाइम आप चेक करते रहिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 4:41 पे ये इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई थी। एंड उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं 4:48 पे जब इसे दोबारा से चेक किया तो यहां पे ये पेज इंडेक्स हो चुका था। नीचे में यहां पे क्रॉल टाइम भी दिया गया कि 4:41:12 में ये पेज इंडेक्स हो चुका था। यानी 10 से 12 सेकेंड में आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस आपके सामने शेयर करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपनी स्टोरी, ब्लॉग पोस्ट, किसी भी चीज को इंडेक्स करवाना चाहते हैं 10 सेकंड में, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आपका स्वागत है आज की इस फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। ये मेरा चैनल है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, अपनी साइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। सबसे पहले आपको आ जाना है एडमिन पैनल में, उसके बाद आपको खोल लेना है सर्च कंसोल। एंड उसके बाद एक गूगल का पेज आपको खोल लेना है, जिसमें आपको टाइप करना है गूगल क्लाउड कंसोल। ये तीनों पेज आपको एक एक करके साथ ही खोल लेना है, क्योंकि जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको फॉलो करना है, क्योंकि एक क्रिटिकल प्रोसेस है। एंड थोड़ा भी आप मिस्टेक करते हैं तो ये चीज काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है एंड ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। जैसे आप यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग सर्च करेंगे तो नीचे आपको काफी सारा प्लगइन दिख जाएगा, लेकिन आपको क्या डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल। इसे इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको एक्टिवेट का बटन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आपको इसे एक्टिवेट भी कर लेना है। ये प्लगइन काफी इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस यूजर के लिए। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा भी है जो ब्लॉगर पे काम करता है एंड ब्लॉगर पे ये चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉगर के लिए नहीं है। मैं अलग से उसका वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरह से आप ब्लॉगर पे रहते हुए भी इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। फिलहाल ये इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा काम हो चुका है, अब चलेंगे अपने नए पेज में। यहाँ पे गूगल पे न्यू टैब को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल क्लाउड कंसोल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप किया है। जैसे आप टाइप करेंगे नीचे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको कंसोल क्लाउड डॉट गूगल पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। आप देख लीजिएगा जिसमें कंसोल डॉट क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम हो उसी को आपको ओपन करना है। क्लिक करके ओपन जैसे आप कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस भी ईमेल आईडी से आपका सर्च कंसोल का अकाउंट है उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करनी है एंड साइन अप करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो इस ईमेल आईडी को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो भी हमारा सर्च कंसोल का ईमेल आईडी उससे हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च अ प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, तो अपनी वेबसाइट का नाम भी आप डाल सकते हैं या फिर आपके मन में जो भी आए वो यहाँ से आप डाल सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस नाम से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम है, जिसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे क्रिएट हो जाता है नीचे में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेलेक्ट प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मेनू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा आई ए एम एंड एडमिन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे ये लोड हो जाता है उसके बाद क्या करना है, आपको सर्विस अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे सर्विस अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद क्रिएट सर्विस अकाउंट का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के साथ ही आपको ले जाया जाएगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको तीन बॉक्स मिल जाते हैं जिसमें आपको अपना सर्विस अकाउंट नेम जो कि आपके साइट का नेम है वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप नेम फिल कर देते हैं उसके बाद सर्विस अकाउंट आईडी का ऑप्शन है, इसमें भी आपको सेम ही फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है कि आपका अकाउंट यानी आपका जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको वेट करना है। नीचे में एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट अ रोल, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑनर को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं फाइनल पेज आ जाएगा जिसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे सीधे डन का बटन है, इस पे क्लिक करके डन कर देंगे। अब यहाँ से इनेबल हो चुका है। अब जैसे इनेबल हो जाएगा आपके सामने एक छोटा सा ईमेल आएगा जिसे आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी कर लेते हैं उसके बाद नोट पैड ओपन करेंगे या फिर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो अपना नोट्स ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद क्या करना है यहाँ से आपको इसको डिलीट कर देना है प्लस के आइकन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ये ईमेल काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमें बाद में करना है तो यहाँ से इसे सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद क्या करेंगे यहाँ से हम दोबारा से क्लिक करेंगे मेनू के ऑप्शन पे एंड यहाँ पे क्लाउड ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू एपीआई ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक कर देते हैं उसके बाद एक छोटा सा सर्च बॉक्स आ जाता है जिसमें आपको टाइप करना है इंडेक्सिंग एपीआई। जैसे आप टाइप कर देते हैं उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएगा वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को इनेबल करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल का बटन है, इस पे क्लिक करके हम इसे इनेबल कर देते हैं। जैसे ही इनेबल हो जाता है उसके बाद क्या करना है दोबारा से आपको मेन्यू के ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा IAM एंड एडमिन, जिस पे हमने क्लिक किया था उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही हम आ जाते हैं इस पेज पे एंड इस पेज पे आप देखेंगे अब आपके पास दो दो ऑनर का अकाउंट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक आपका ईमेल आईडी है एंड एक ईमेल आईडी जो हमने कॉपी किया था वो आ चुका है। अब क्या करेंगे सर्विस अकाउंट के ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है जिसपे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मैनेज कीज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमें एक कीज मिलेगा जिसे हमें क्या करना है अपनी एडमिन पैनल में इसे पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है अब ऐड क्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे क्रिएट न्यू की का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक जेसन फाइल को सिलेक्ट कर रहने देंगे एंड यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे क्लिक कर देते हैं एक जेसन फाइल हमारे डाटा में सेव हो जाएगा यानी आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में सेव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। अब जाएंगे अपने सर्च कंसोल के अकाउंट में, जो भी ईमेल आईडी आपका यहाँ पे है उसे लॉगिन कर लेंगे। अपना प्रॉपर्टी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है नीचे आपको आना है सेटिंग के ऑप्शन पे। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूजर एंड परमिशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे एड यूजर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपने कॉपी की थी उसे यहाँ से पेस्ट कर देंगे। फुल में आपको क्या करना है ऑनर को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से ऐड कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से आपका काम हो जाता है। अब चलेंगे अपने एडमिन पैनल में कहाँ पे एंड यहाँ पे आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे रैंक मैथ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है एंड नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसे आपको इनेबल कर लेना है अगर ये डिसेबल है तो। अब चलेंगे यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो प्लगइन के ऑप्शन पे आने के बाद इंस्टॉल प्लगइन को ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे आपको गूगल एपीआई सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, जो जेसन फाइल आपने अपने सिस्टम में सेव किया था उसे यहाँ पे आपको क्या करना है अपलोड करना है। चूज फाइल करेंगे एंड जहां भी आपका वो फाइल है वहां से आपको क्या करना है इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है पोस्ट एंड पेजेस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पेजेस को इंडेक्स करवाना चाहते हैं इंस्टेंटली तो पेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हैं।
आपके सामने यहाँ पे स्टोरी का भी ऑप्शन होगा, क्योंकि इस वेबसाइट पे मैं स्टोरी वगैरह क्रिएट नहीं करता हूँ, तो यहाँ से ये यह ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पोस्ट एंड स्टोरी का ऑप्शन होगा, उस पर टिक कर देना है एंड सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुका है। एंड यहाँ पे इंडेक्स नाउ एपीआई सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको पोस्ट एंड स्टोरी को सिलेक्ट कर लेना है, नीचे आपको सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा, आप पोस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको देखना है कि आपका इंस्टेंट इंडेक्सिंग का जो फीचर है वो इनेबल हुआ है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पे कर्सर लाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट पेज। जब भी आप किसी नए ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट पेज का। इस पर क्लिक करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वन पेज सबमिटेड टू इंडेक्स नाउ, ये ऑप्शन आ जाएगा एंड विद इन अ 10 सेकेंड आपका ये ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा। इसी तरह आप स्टोरी को भी इंडेक्स करवा सकते हैं, स्टोरी के आगे भी आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से इस ब्लॉग पोस्ट का जो URL है उसे कॉपी कर लेना है, या फिर अगर आप स्टोरी को करवाना चाहते हैं तो स्टोरी के URL को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है रैंक मैथ में एंड यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको URL को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है एंड सेंड टू API पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका URL जो है वो सबमिट हो जाएगा इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए। एंड यहाँ पे काफी सारे URL भी है, जैसे रिमूव URL। अगर आप किसी भी URL को रिमूव करते थे तो क्या करना होता था, रिमूवल के ऑप्शन पे जाके उसे रिमूव करना पड़ता था, लेकिन अभी आप यहीं से भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप एक बार में 100 से 1000 URL को सबमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं अपने स्टोरी को इंस्टेंटली इंडेक्स करवाने के लिए या फिर ब्लॉग पोस्ट को इंस्टेंटली इंडेक्स करवाने के लिए, तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।